अगर EMI नहीं चुकाओगे तो पहले दुकान जाएगी, हैं? फिर मकान। या तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो समझ लो हमारे पापा के गले में पड़ा तो फांसी का फंदा तुमने अपने हाथों से खींचा है। और अगर अपने बाप की सच्ची औलाद हो तो काटेलाल एंड सन्स में कदम तो क्या उसकी तरफ नजर उठा के गिरा दे, घर से बाहर निकालो इन्हें। यूके कर रहे हो तुम? अरे आज कोई रक्षाबंधन थोड़ी है, तो मैं तो ये राखी बांधूंगा और अपने प्यार के बंधन में भी नहीं बांध रहूंगा। मैं कर रहा हूं तुझ पे टूट का। साइंस के जमाने में तुम ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो? ठीक है गुरु, मुझे तो नहीं है विश्वास, पर कोई है जिसे विश्वास है और मुझे उसके विश्वास पर विश्वास है। अरे वो बंदा था ना, वो जिसने पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया था, अगर वो इंसान का बच्चा कर सकता है तो ये इंसान का बच्चा भी कर सकता है। एक बात बोलूं गुन्नू, तू हमेशा हंसता रहता है, अच्छा लगता है, और ऐसी स्माइल रखा कर तो तेरा दिन भी अच्छा जाएगा और मेरा दिन भी अच्छा जाएगा। बस क्या है ना यार, एक छोटी सी कंफ्यूजन है। क्या? जिस मालिक ने तुम्हें दुकान से निकालने में एक पल नहीं सोचा, उसकी बातों को लेके, उसकी चीजों को लेके इतना इमोशनल, इतना सेंसिटिव होना, इतना तो कोई अपने सगे बाप के लिए नहीं करता। बात उसे विश्वास की है दोस्त, है तो है, नहीं है नहीं है। कभी कभी कोई बाप भी अजनबी हो सकता है और कभी कभी कोई अजनबी भी बाप हो सकता है। तो कनेक्शन है इसका ऊपर से, साला ऐसी बातें कर देता है ना, इतनी डीप बातें। हेलो। हाय। हाँ अब आगे भी कुछ बोलो। एक्चुअली मैंने बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए फोन किया था। क्या सुनने के लिए? वो आपका काम हो गया ना? हाँ तो? तो आपके स्टोन ने तो मेरा दिल तोड़ दिया सुशीला जी। हैं? हमारे लंदन में ना मेहनत का बड़ा ख्याल रखा जाता है, और जब कोई किसी की हेल्प करता है तो कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताओ, आप भी तो पढ़े लिखे हो। थैंक यू। और क्या? थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ कहते होंगे ना? फोन से ही बता दूं या फोन से बाहर निकल के बताओ? आई जाओ, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। लंदन कुछ ज्यादा ही रह लिए डॉक्टर साहब आप ना। हमारे रोहतक में ना ज्यादा और करने वालों को ना बिना टिकट ही लंदन वापस भेजा जा सकता है। एंटरटेनिंग तो आप हो सुशीला जी, वरना रोहतक में ना मैं इतने दिन टिकने वाला नहीं था। फुल एंटरटेनमेंट। बहुत सुंदर रूम है, आपकी भतीजियों का रूम है ये? हाँ जी। रूम के साथ बालकनी भी है? हाँ जी, आइए देखिए, बड़ी खुली बालकनी है जी। गर्मियों में बड़ी ठंडी हवा चलती है और सर्दियों में बहुत बढ़िया धूप रहती है जी। इतना बड़ा चढ़ा के बताने की क्या जरूरत है? अरे छोड़िए ना, मैं पता नहीं कोई आइडिया सोचा है कि नहीं। वैसे बड़ी प्रोग्रेसिव टाइप की फैमिली है जी हमारी।
बाथरूम अटैच है जी, इंग्लिश। वैसे मेरे ख्याल से ना जी, आपके अच्छे घर की तलाश यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। आप अपनी सर्च पे फुल स्टॉप लगा दो, बड़ा अपना कौन सा फील होगा यहाँ आपको। चंचल, घर पसंद आ रहा है, चाय बना लो। पत्ती खत्म हो गई है। तुम देख लो मकान, बाद में मत कहना मैं नीचे ही हूँ। हाँ शास्त्री जी, तो बताइए कैसा लगा कमरा? अरे भाई साहब, फाइनल डिसीजन तो वाइफ ने ही लेना है, तो देख रही है, मन ने तो सिर्फ ऊंट की तरह सर हिलाना है। वैसे आपने वीडियो बहुत बढ़िया बना है, काटेलाल एंड सन्स आपकी है ना? हाँ मेरी है। यार दोस्तों ने तो जुलूस निकाल दिया, पर हनुमान जी की कृपा से ये किराएदार अगर मान जाए तो कम से कम ये ईएमआई का टेंशन खत्म हो जाएगा। भरा पूरा परिवार है हमारा, दिन भर ना धमा चौकड़ी मची रहती है सच में, और कभी बिना आपको अकेलापन महसूस ही नहीं होगा, न्यू ही लगेगा कि आप जॉइंट फैमिली वाले ससुराल में रह रही हो। और मेरी भतीजियां करीमा सुशीला, उनके बारे में तो सुना ही होगा आपने, है? अरे पूरे शहर में फेमस है। सुशीला ने अभी पिछले हफ्ते वो रामलीला में हनुमान जी वाला कांड सुना है, है? अरे वो सुशीला ही तो थी। और गली में भी ना बस बारिशों में इतना इतना पानी भरता है, बच्चे उसी में गोते लगाते रहते हैं, और जी बच्चों का शोर शराबा तो मचा ही रहता है, शांति तो कभी रहती नहीं इस गली में। बच्चों का शोर कोई शोर थोड़ा होता है जी, एक उड़ती तो बेचारे चुप होके बैठ जाते हैं। और रोहतक में बारिश होती कितनी है, ये मुंबई तो है नहीं कि एक बार बारिश शुरू हुई हो तो खत्म होने का नाम ही ना ले रही। और हम तो बैठे हैं ना जी, घर हमारा ही है, पूरी देखभाल करेंगे आपकी। मेरा तो क्राइटेरिया एक ही है, मकान मालिक अच्छे होने चाहिए, सुख दुख में काम आए, कभी कभी जिनसे चाय की पत्ती मांग सकें, चीनी मांग सकें, और भी कुछ मांग सकें। उस नजरिए से देखा जाए मेरे लिए आप लोग ठीक हो। अच्छा हाँ। लो जी धर्मपाल जी, हाई कमांड ने हामी भर दी और हमने आपके सामने ये 5,000 रुपये धर दिए। अब हम एक दो दिन में शिफ्ट हो जाएंगे। आप जब भी आओगे आपको कमरा रेडी मिलेगा। कुसुम, वो ऊपर वाला कमरा खाली करके साफ कर देना। और चंचल कहाँ है? उसकी अभी ड्यूटी लगाता हूँ। आप चिंता ना करो, बस अब आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। भाई साहब, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जो बेड के पीछे वाली वॉल पे काली काली चित्रकारी है ना, वो हमारे टेस्ट की नहीं है, तो उसकी जगह प्लेन वॉल दे दीजिए, सफेद पेंट करवा दीजिए। वो तो जी गरिमा सुशीला ने प्यार से अपने हाथों से पेंट की। ये पैसे तो उठा लेते, बीच मेज पे अच्छे नहीं लगते। हाँ जी अच्छे। पहले दुकान, फिर मकान, अब तो दोनों में गैर लोग आ गए। बाल कटा, दाढ़ी 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 बना, हेयर कलर या फिर डाई करा, कम 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 टू काटेलाल। पुत्तू भैया, वीडियो अच्छा बन गया, मनोरंजन का साधन भी अच्छा हो गया। मैं तो कहता हूँ टिकट लगा के तमाशा शुरू कर दो, दो पैसे भी कमा लोगे, क्योंकि मन ने ना लगे कोई कस्टमर आता होगा आपकी दुकान में। और चिन्नी चाचू, एक्सक्यूज मी, इतनी मटकाली कमर, अब झुकते दर्द होगा तो समोसा कैसे तलोगे आप? रहने दो रहने दो। अवतार चाचा जी, एक ही तो हीरा है अपने आदि बाजार में, इसके कसरत करने से आप पहलवान बन जाओगे के? लिबास बदलने से इंसान ना बदलता। जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही इस ततैये की। ना मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, भाई साहब आप आज्ञा दो तो पूछूं। ना मैं ना बोलूंगा तो भी तो पूछेगा ना, पूछ। विक्रम भैया हमारी टीम के, ओके, उनकी टीम के साथ क्यों खेल रहे हैं भाई साहब? खेल भी रहे हैं तो खेल भी रहे हैं, पर
आप उनको रोक क्यों नहीं रहे? अरे यो खेल किस्मत का है मेरे कबूतरों, और इसका मतलब है कि किस्मत भी हमारी टीम से खेल रही है। अरे यो तो मैंने सपने में भी ना सोची थी कि विक्रम इन दोनों से दोस्ती कर लेगा। अब जो कर ली है तो जगत सेठ PhD इसका पूरा फायदा उठाएगा। सुनो, विक्रम को तो मैंने समझा दिया, तुम दोनों भी कान खोड़ कर सुन लो। विक्रम और मेरे कनेक्शन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये गुन्नू, सत्तू और विक्रम की दोस्ती का भरपूर फायदा उठाना है मुझे। अरे घर का तो पता नहीं बेटा, पर जिंदगी में जरूर आया हुआ है भूकंप। तुम लोग ऊपर जाओ और अपनी मम्मी चाची की मदद करो। मोटा मोटा सामान निकाल दिया है, तुम लोग अपनी अलमारियां खाली कर दो। अलमारी? हाँ, किराएदार आने वाले, वो भी दो दिन में। दो दिन में ना, आप संभालने का मौका भी ना देते पापा जी। कैसे हम सारा का सारा सामान निकाल दे, जवान छोरी आए हम ना। यो ख्याल तुझे हमेशा क्यों नहीं आता तुम जवान छोरी आओ? मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, तुम्हारी और परिवार की भलाई सोच कर ही कर रहा हूँ। लेकिन पापा जी मैं हाँ पापा ठीक है। अपने पापा जी के सामने तो बड़ी हांजी हांजी में गर्दन ऊपर नीचे होती तुम्हारी है। एक काम करते हो भाई साहब को ना गुन्नू और सत्तू के बारे में बता देती हूँ आज। हाँ अरे यार चाची, पापा का मूड ना पहले से उखड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि पापा की नॉलेज का चिराग जलाने जाओ आप और आपके खुद के हाथ जल जाए। फील हुआ ना, सच में भी हो सकता है। तो दो दिन के लिए ना अपनी उंगली अपने पास ही रखो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। कल को स्कीम बढ़ाते हैं। हाँ आज तो मेरा सोचने का कुट्टा खत्म हो गया सच में। चल अगर इन छोरियों ने कोई स्कीम नहीं बनाई ना तो सच कह रही हूँ, इस चंचल के होते हुए ना पूरे घर में सब लोग रोते हुए पाए जाएंगे। यू क्यों हो रहा है बहन? ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी चाहते ही नहीं है कि हमारे लाइफ का ना यो तूफान कभी थम जाए। से लग रहा है जैसे मजे आ रहे हैं उनको ये रोलर कोस्टर देख के। ऐसे छोटी छोटी बातों पे दुखी नहीं होते बेटा, सिर्फ पेंटिंग मिटाई है। तुम्हारे हाथों का ऑनर अभी भी तुम्हारे हाथों में ही है, ऐसी पेंटिंग तो हजारों बन जाएंगी। अगले जन्म ना मैं चांद बनना चाहती हूँ। ना सूरज की परवाह ना तारों की चिंता, सूरज आए तो मैं सो जाऊं और तारे आए ना आए भाड़ में जाए। लोग अपने आंखों में अपने सपनों में तारे सजाते हैं और तूने भाड़ में झोंक रही है, उसका क्या पॉपकॉर्न बनाएगी? पॉपकॉर्न तो मैं सारी दुनिया का बनाऊंगी, सारी की सारी दुनिया को ना भाड़ में झोंक दूंगी मैं। तो सबसे पहले ना जगत को भाड़ में झोंक देना, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, ना रहेगा मेंढक और ना वो टर टर करेगा। इससे तो सबसे पहले पापा जी को ही धक्का लग जाएगा। पापा असली कल्पित ना है, असली कल्पित तो वो है जिसने पहली दफा कहा था लड़का ये नहीं कर सकती, लड़का वो नहीं कर सकती। फिर तो पहला आदमी ना तेरा बाप ही होगा। अर्ज किया है अगर बचा हुआ है वो आदमी अब तक तो करानी चाहिए लड़कियों ने उससे उठक बैठक। एक मैं भी अर्ज किया है, हमारी जिंदगी प्याज जैसी हो गई है, एक प्रॉब्लम छिलते ही दूसरी आ जाती है। यहाँ जीत तोड़ मेहनत के बाद भी काटेलाल एंड सन्स चल नहीं रहा है और यहाँ अपना कमरा भी अपने हाथ से निकल रहा है। चाची धमकियां दे रही है, पापा बीमार है और ऊपर से गले में तावीज लटका के घूम रहे हैं। और वो प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद,
अपने सड़े हुए जोक्स के साथ अलग ही इरिटेट करता रहता है। और विक्रम प्रियंका को डेट कर रहा है, लेकिन तू क्यों इतने पीकेएम में इंटरेस्टेड है? पीकेएम? प्रियंका का माल? मैं इंटरेस्टेड ना हूं, पर हाँ मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रमोद जरूर इंटरेस्टेड है मिस्टर सीला में। बकवास ना कर, चपेट मार दूंगी मैं। ये क्या चल रहा है यार, सच में ये क्या चल रहा है? अब से ना ताऊ जी के कमरे में सोना पड़ेगा मुझे। एंड यू आर लाफिंग, वो तो रात को भी ड्यूटी लगा देंगे मेरी। पुत्तू भाई दबा दे थाई, आई मीन लेग्स। आज किया है फॉरवर्ड मैसेज से मिला था मुझे यो ज्ञान, दर्द सब लिमिट से बढ़ जाता है तब हट जाता है उससे ध्यान। कवि इन पंक्तियों से यो कहना चाहता है पुत्तू भैया कि अपनी इतनी लगी हुई है कि हमारी हंसी झूठ रही है। समझा? तो दीदी मैं भी ना आप लोगों की पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ। आई मीन सिचुएशन तो हमारी सेम टू सेम ही है। हाँ वो तो है। उत्तू गरिमा सुशीला, अरे अरे बाप रे 8 बज गए। ये चुन्नीलाल के इतने मिस कॉल्स क्यों है? कहीं आग तो ना लग गई दुकान में? शुप शुप बोल, ऐसे अवतार अंकल के भी 10 मिस कॉल्स है। ओ माय गॉड, मेरे फॉलोवर तो 997 से 1420 हो गए, मतलब एक ही रात में 423 फॉलोअर्स बढ़ गए। वाव पुत्तू गरिमा सुशीला, अरे धर्मपाल देख गन्नू सत्तू का कमाल, भाई थारी दुकान के बाहर तो लोगों की लाइन लाग रखी है देख। पापा ये तो कमाल हो गया, देख सुशीला दुकान के बाहर कितनी लंबी लाइन है। यो सब उसे एक वीडियो की वजह से हो रहा है, वो तो पहले ही बना लेना था। ये रोहतक के लोग भी ना किसी भी बात से इंप्रेस हो जाते हैं। हाँ कोई रिश्ता नहीं, फिर भी जान लगा दी छोरों ने काटेलाल एंड सन्स के लिए। इन्हें पहचानने में गच्चा खा गया धर्मपाल। कोई रिश्ता ना है फिर भी जान लड़ा रखी है छोरों ने काटेलाल एंड सन्स के लिए। व्हाई, आखिर माजरा क्या है जगत सेठ पीएचडी? पता तो लगाना पड़ेगा। सर्च योर रिसर्च। लड़कियां भी ना इतना बिजी रहती हैं पढ़ाई लिखाई, इतना मुश्किल हो गया है सब कुछ, अपनी अलमारी उलमारी साफ ही नहीं कर पाती, हम ही कर देते हैं। हमारे जमाने में तो रंग बिरंगी कलर के सूट हुआ करते थे, अब देखो लड़कियां लड़कियों के फैशन। लड़कों के कपड़े। गरिमा सुशीला ये कपड़े क्या कर रहे थे तुम्हारी अलमारी में?
पुत्तू ने रख दिए होंगे। पुत्तू? यस ताई जी यस, मैंने ही रख दिए होंगे। दिखा दे रहा? ये गुन्नू सत्तू के कपड़े अपनी बहनों के कमरे में क्यों रख दिए? गुन्नू सत्तू के कपड़े में सोच के रहा बता। अरे उन्होंने दिए थे ना तुझे? हाँ हाँ उनके ही है, उन्होंने ही दिए थे। यस उन्होंने ही तो दिए थे ताऊजी, वो काम का स्ट्रेस बहुत है ना। बेटा तारना भेज, पूरी चिट्ठी पढ़ के सुना दे, क्यों भेजे थे कपड़े? गन्नू सत्तू के कपड़े मैं क्यों लाया था? वो ताऊजी वो ना गरिमा दीदी ना वो मैंने कहा था कि वो जिसके पास जितने कपड़े हैं सब इकट्ठे कर लो। वो पापा कॉलेज में ना कपड़े डोनेट करने का वीक चल रहा है। हाँ विंटर इज कमिंग ना पापा, तो इसीलिए प्रोग्राम चल रहा है कॉलेज में जहाँ पर हम सारे कपड़े इकट्ठा कर रहे हैं और गरीबों में बांट रहे हैं ताकि वो ठंड में अपनी रक्षा कर सके। ना ये प्रोग्राम के बारे में मन्ने कैसे नहीं पता? किस प्रोफेसर का अंडर चल रहा है ये? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.